इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ मिलीबग्स को हिबिस्कस प्लांट से कैसे रिमूव करते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है मिलीबग्स को रिमूव करने के लिए, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक नहीं आएंगे मिलीबग्स आपके प्लांट पर। चलिए अब हम लोग एक स्प्रेयर लेकर उसके हेल्प से फुल प्रेशर से पानी डालेंगे। आपको अच्छे से रिमूव करना है मिलीबग्स को लीव्स के पीछे, ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ दिख रहे फुल प्रेशर के साथ डालिए पानी। ये देखिए मिलीबग्स, और साथ में ये ब्लैक एंट्स भी दिखेंगे आप लोग को। मिलीबग्स और एंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहता है। मिलीबग्स जो है सो फूड प्रोवाइड करते हैं एंट्स को, और एंट्स प्रोटेक्ट करते हैं मिलीबग्स को, लाइक दूसरे इंसेक्ट्स को आने नहीं देते मिलीबग्स के करीब। ये देखिए पूरे मिलीबग्स और वाइट एंट्स जिसको बोलते हैं वो रिमूव हो गए हैं। ये देखिए मेरा हिबिस्कस फ्लावर था जो कि बहुत बुरी तरीके से मिलीबग्स से इफेक्ट हो गया है। ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स लग रहे हैं वो एक्चुअल में मिलीबग्स के एग्स है। चलिए अब हम मिलीबग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। एक स्ट्रेनर लीजिए और इन लोग को स्ट्रेन कर लीजिए। ऐसे ही छोड़ देने से वो लोग वापस से प्लांट्स पर आ जाएंगे, सो इट्स बेटर टू डिस्ट्रॉय देम। अब हम एक स्टोन लेकर इन लोग को डिस्ट्रॉय करेंगे। सभी को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई कीजिए। टैप वाटर से सभी मिलीबग्स को ड्रेन कर देंगे बेसिन में। इसके बाद अब हम 1 लीटर वाटर लेंगे स्प्रे बॉटल में और 2 स्पून लिक्विड हैंड वॉश लेंगे। मेरे हिबिस्कस प्लांट पर बहुत ज़्यादा ही मिलीबग्स थे इसलिए मैंने 2 लिया है। आप चाहे तो 1 स्पून भी ले सकते, और इट्स बेटर अगर आप ये ट्रीटमेंट इवनिंग में करेंगे, क्योंकि डे टाइम में सोप सॉल्यूशन और सन रेज मिलकर आपका प्लांट जल भी सकता है। शेक वेल। अभी हम पूरे प्लांट पर अच्छे से स्प्रे करेंगे सोप सॉल्यूशन को। फ्लावर्स पर और लीव्स को टर्न कर कर भी अच्छे से स्प्रे करिए। सो दैट्स इट।